देखिए, असलियत ये है कि इस इलाके की जानबूझ करके अनदेखी हो रही है। विधायक अपनी गरिमा से समझौता करके अपने काम और धंधों को कर रहे हैं। यहाँ के सांसद वो अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। जो रेलवे पुल है इनको जल्दी बनाया जाए, और जो पलवल अलीगढ़ मार्ग को जो केजीपी से कनेक्ट करने का हमारा अभियान था, हमने मंजूर कराया था, उसको भी शुरू करके इस इलाके को राहत प्रदान करें, इसलिए आज धरना प्रदर्शन में आए हैं। और अगर कोई तारीख रखी, तारीख रखने का काम हमारे ये भाई करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो राजनीतिक आरोप लगेंगे। तो अगर इन्होंने कोई तारीख रखी तो हम तमाम इलाके को इकट्ठा करके और इस सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, और इनको मजबूर करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इन पुलों के निर्माण के कार्य को शुरू करें। NH जो फ्लाई ओवर है वो 4 लेन का क्यों बना रहे हैं? ये तो 6 लेन का होना चाहिए। कोई मुफ्त थोड़ी आएंगे लोग, पैसा दे के आएंगे, गदपुरी में टोल लगा रहे हैं, फिर हम 4 लेन का पुल क्यों हमारे लिए बनाया जा रहा है? ये 6 लेन का होना चाहिए जिससे आगे भविष्य में जाम ना लगें। और अगर स्टे है तो बामनी खेड़े के पुल पर, पलवल रसूलपुर रोड पर कौन सा स्टे है? देखिए, असलियत ये है कि इस इलाके की जानबूझ करके अनदेखी हो रही है। विधायक अपनी गरिमा से समझौता करके अपने काम और धंधों को कर रहे हैं, इलाके के विकास कार्य जो ठप पड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा विधायक और उनके यहाँ के सांसद इनके जो निजी काम हैं, व्यवसाय हैं, कारोबार हैं, धंधे हैं, लूट है, वो बदस्तूर जारी है। यहाँ के सांसद वो अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इलाके की जो दुख तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो इस इलाके की राजनीति कई वर्षों पहले जो एक हुआ करती थी, जब हरियाणा सरकार इस इलाके से भयभीत हुआ करती थी, अगर ये नहीं माने तो हमें फिर से उन्हीं रास्तों पे जाना पड़ेगा। और हम लोगों को इकट्ठा करके इस सरकार को मजबूर करेंगे, इनको सोई हुई नींद से इनको जगाएंगे, और इनके ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे जिससे आम इलाके के लोगों को दुख ना हो। देखिए, आज इतने दिनों से इस इलाके के सभी बिरादरी और बहुत ही संपन्न लोग जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो यहाँ मजबूर होकर के धरने पर बैठे हुए थे। और बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, विधायक या जिम्मेवार कोई भी व्यक्ति आज तक इनको आश्वासन देने के लिए नहीं आया कि हम आपके दर्द को समझते हैं और इस काम को जल्दी करने का हमें शुरुआत करेंगे। वो दूर रहा, और इस बदहाली को आज इन इधर की कॉलोनियों को ही नहीं, पूरे हमारे तमाम इलाके के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये दुख भुगतना पड़ रहा है कि रिश्तेदार भी आते हैं तो वो भी गालियां देते हुए जाते हैं। ये पुलों का निर्माण का कार्य का जो शिलान्यास था, ये वर्ष 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, मैंने करवाया था बामनी खेड़ा रसूलपुर का। लेकिन अफसोस की बात है कि 2018 में फिर दोबारा इन्होंने शिलान्यास किया, और आज तक ये निर्माण कार्य को इतना धीमी गति से ये इसको चला रहे हैं, और हमारे इलाके की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। इतना अहंकार और इतना घमंड अच्छा नहीं होता, इसलिए आज मजबूर होकर के ना चाहते हुए भी हमें आज यहाँ इस धरने में शामिल होना पड़ा। और हमने लोगों से अपील की है कि हम इस पुल के निर्माण में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये सरकार हमें विवश ही करना चाहती है तो ये धरना पर बैठे हुए लोग अगर ठीक समझें तो एक दिन निश्चित करके हम तमाम इलाकों को इकट्ठा करके और इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। और इस दोनों पुलों के निर्माण, और पलवल अलीगढ़ मार्ग का जो पुल जो 6 वर्ष पहले हमने मंजूर किया था, उसके बाद भाजपा के नेताओं ने भी अपनी दुहाई दी कि हमने मंजूर कराया, और आज वहाँ भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। और ये जो पलवल में जो 4 लेन का पुल बना रहे हैं, जबकि ये टोल रोड है, पैसा दे करके लोग यहाँ आएंगे, ये भी हमारी इलाके के साथ एक बहुत बड़ा सौतेला बर्ताव होने को जा रहा है कि 6 लेन का हाईवे दिल्ली आगरा जो मंजूर हुआ, पलवल के अंदर जो पुल बना है वो 4 लेन का बना है। यानी कल को अगर कोई बस या कोई ट्रक अगर ऊपर ख़राब हो जाता है तो हमारी तो इस शहर की बदकिस्मती रहेगी, आने वाले दिनों में भी यहाँ जाम लगे रहेंगे। तो ये 4 लेन का पुल बनाना भी इस इलाके के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये पुल 4 नहीं 6 लेन का होना चाहिए।